रीवा से पांचवी बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद रीवा में जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीती शाम को ही खबर आते राजेंद्र शुक्ल के घर पहुंचे, पटाखे फोड़ मिठाई बांटकर जमकर जश्न मनाया था। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एकत्रित हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों पर डांस कर जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि पांचवी बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल विंद के कद्दावर नेता हैं, उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चुनाव में वे अहम रोल निभाते हैं और उनके नेतृत्व में विंद की ज्यादा से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लोगों को उम्मीद है कि मंत्री रहते राजेंद्र शुक्ल ने जिस तरह से विंध्य में विकास किया है, अब डिप्टी सीएम बनने के बाद विकास कार्य और तेजी से होंगे। पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल है और रीवा ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में अत्यधिक जश्न का माहौल है। लोग प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं और एकदम हर्ष से व्याप्त हैं। शीर्ष नेताओं का चेंज कर दिया गया, पूरी टीम चेंज हुई है, इस बार कैसा रहेगा, आने वाला सत्र कैसा रहेगा? सब अच्छा रहेगा। ऊपर के नेतृत्व ने अगर कुछ निर्णय लिया है सोच समझ के निर्णय लिया है और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। नए मुख्यमंत्री जी उनकी